उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमेशा कौम के लिए संघर्ष करने वाले जम्मू कश्मीर से लेकर के बाड़मेर तक जाटों को हमेशा जागरूक करने वाले, हमेशा कौम की पीड़ा रखने वाले आदरणीय चौधरी यशपाल मलिक जी, आप आए और आपने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष की बयां इस मंच के माध्यम से समाज से रूबरू हो चौधरी यशपाल मलिक जी। परम पूजनीय महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने इस देश में संवैधानिक पद पर रहते हुए किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया और इस देश में धारा 377 हटाने का, जो 370 हटाने का काम किया, ये संभव नहीं था बिना खून खराबे के कोई सरकार उसको हटा सकती। चौधरी छोटू राम के देवते और सच का हमेशा साथ देने वाले पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इस देश में चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम और चौधरी देवीलाल, तीनों की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले INLD से विधायक भाई अभय सिंह चौटाला जी, पूर्व सांसद इंदर सिंह जी, देश में जाट की आवाज निर्भीक होकर चाहे सांसद के रूप में, चाहे विधायक के रूप में, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे बीच में वर्तमान विधायक और पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल जी, जगमीत बरार जी जो पूर्व सांसद भी रहे, पंजाब में मंत्री भी रहे और जाट समाज में हिंदू मुस्लिम सिख बिश्नोई सब की एकता के पक्षधर, और जहां भी बुलाया वहां पे साथ खड़े होकर आवाज मिलाने का काम किया, ऐसे महान व्यक्ति आज हमारे बीच में हैं। पूर्व DGP महेंद्र सिंह मलिक जी, जिन्होंने चंडीगढ़ के बीचों बीच में जाट भवन बनाने का काम करके और जिसमें सबका सहयोग लेके अपना झंडा गाड़ने का काम किया महेंद्र सिंह मलिक जी, और तमाम सम्मानित लोग जो मंत्रीगण जो सांसद हमारे बीच से चले गए, और सम्मानित मंच पूरी देश और दुनिया से आए हुए जाट भाई पूर्व मंत्री उदय भान जी जो उत्तर प्रदेश से हैं, आगरा से ही हैं, ऐसे तमाम लोग, और ये जाट कौम का कोई साधारण लोग सामने की तरफ नहीं बैठे और मंच की तरफ, ये दिशा देने वाले लोग हैं अपने क्षेत्रों में। चाहे कोई सोनीपत से आया, चाहे कोई करनाल से आया, चाहे कोई राजस्थान जयपुर से आया, ये कोई आम आदमी नहीं है। जाट संसद का मतलब है कि देश भर के हर जिले से और दुनिया भर के हर प्रदेश से ऐसे लोगों का एक समूह, चाहे वो मंच पे है चाहे मंच के सामने है, जो इस देश को दिशा देने का काम कर सकते हैं किसी विचारधारा पर चलकर। और जिस एनर्जी के साथ पिछले 15 साल से मैं जाट आरक्षण आंदोलन में 16 साल 2006 में जुड़ा, और यह भी राजस्थान की देन थी कि राजस्थान के लोगों ने इस देश के जाट को जागृत करने का काम किया कि आरक्षण हमारा अधिकार है, इसे लेना चाहिए, और उसकी बदौलत राजस्थान में ही आरक्षण नहीं मिला, 9 राज्यों में और बाकी स्टेट लेवल पर आरक्षण मिला, हरियाणा में मिला और 2 बार छिन गया, क्योंकि जो लोग हरियाणा प्रदेश छोटा लगता है लेकिन छोटा प्रदेश हरियाणा नहीं था, क्योंकि यह उस पंजाब का हिस्सा है जिस पंजाब में दीन बंधु छोटू राम ने इस देश में एक तरफा किसान को खड़ा करने का काम किया, उसको मान सम्मान दिलाने का काम किया, उसके साथ दलित वर्ग को, हम लोग किसान किसान चिल्लाते हैं, जिस मजदूर वर्ग को
रहबर आजम दीन बंधु छोटूराम ने खड़ा किया, उसको चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल ने जिंदा रखा। चौधरी छोटूराम सीकर भी आए। चौधरी छोटूराम 1942 में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जोधपुर भी गए और सत्ता और शासन के राजशाही के खिलाफ गए। आज जिस वजह से हम यहां बैठे हैं पढ़े लिखे लोग, उसका श्रेय भी चौधरी छोटूराम को जाता है। देश में समानांतर शिक्षा व्यवस्था खड़े करनी, अंग्रेजों के शासन में इतना दम नहीं था या इतने संसाधन नहीं थे कि वो जगह जगह स्कूल खोल के किसानों के बच्चों को पढ़ा सके। 1911 में जाट कॉलेज रोहतक की शुरुआत हुई, 1917 में जाट कॉलेज बड़ौत की शुरुआत हुई, जहां से राज्यपाल साहब ने भी शिक्षा ली। 1924 में जाट कॉलेज मुजफ्फरनगर, 27 में जाट कॉलेज बुलंदशहर में स्थापित हुआ, चौधरी अमर सिंह कॉलेज गुलावटी में। ये ऐसी शिक्षण संस्थाएं थी। और यहां सतपाल जी बोल के गए कि जो भक्त थे फूल, वो गायक जो थे, जब भी स्कूल का निर्माण होता था तो उनका एक नारा होता था गांव में, ऐसे ही पंचायतें बुलाई जाती थी कि धड़ी धड़ी दो तोल और रुपए दो 20 बोल। ये तब स्कूल खड़े हुए जब 20 रुपए भी बहुत मायने रखते थे। जब पृथ्वी सिंह बेधड़क जब एक एक बटालियन 100-100 रुपए भेजती थी चौधरी छोटूराम के नाम पे जाट कॉलेज हिसार में, ऐसे तमाम कमरे लिखे जाट कॉलेज जींद में जो बटालियनों के द्वारा बनवाए गए हैं, आज उसको जिंदा करने की जरूरत है। हम गौशालाएं और धर्मशालाएं खोल रहे हैं, जिंदा करने की जरूरत है। और इस जिंदा करने में मैं भी 13-14 राज्यों में गया, लेकिन मैं इन दोनों भाइयों की 16 साल से हिम्मत मांगता हूं। जब मैं पहली बार जयपुर में घुसा, चाहे डॉक्टर हरि सिंह से मिलाने का काम था, चाहे पिलानिया साहब से मिलाने का काम था, लगातार स्टूडेंट से लेकर आज तक जहां भी इन दोनों भाइयों को कहा, ये हर काम में साथ खड़े हुए। आज हो सकता है हम जितने लोग यहां बैठे हम अलग नेतृत्व की तलाश न करें, राजनीतिक नेतृत्व सामने बैठा है। अगर ये भाई किसी की ड्यूटी लगाते हैं, मैंने भी बोल के रखा जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे उसे मैं एज ए सिपाही बन के पूरा करूंगा, अलग नेतृत्व की चाहना रखें। आप लोगों से भी निवेदन है, अगर ये किसी की कहीं ड्यूटी लगाते हैं, आज भी कहां जा रहे, जम्मू कश्मीर पहले नोता देने फिर काट देने, कहां जा रहे देहरादून पहले नोता देने फिर काट देने, ये इनका काम नहीं है, ये हमारा काम है। ये हर जगह डेलीगेट फिक्स करे, वो आदमी आए जयपुर में कार्यक्रम, जयपुर आए इनसे कार्ड लेके जाए अपने राज्य के, क्योंकि जितनी एनर्जी एक लिमिट के बाद जब आदमी काम करता है तो उसकी एनर्जी छीन होने लगती है। आज जिस लेवल पर ये पहुंचे हैं, हमने इनकी एनर्जी भी बचा कर रखनी है। हम लोग नेताओं को जिंदा रखने के बदले एमपी और एमएलए बनाना पसंद करते हैं, हम लोग अपने नेताओं को जिंदा नहीं रख पाए। आज हर आदमी रोना रो रहा है कि हम राजनीतिक पतन होगा, क्यों राजनीतिक पतन होगा? एक पैसे वाला आएगा और जो कैंडिडेट अभय जी खड़ा करे या कोई दूसरा राजनीतिक दल खड़ा करे, वो शराब पिलाएगा और तमाम लोगों को बरगलाने का काम करेगा कि अपना एमएलए बना लो, अरे अपना नेता बना लो देश में। आपके पूर्वजों ने चौधरी छोटूराम को नेता बनाया, दुनिया भर में डंका फेरा। आपके नेताओं ने चौधरी चरण सिंह को नेता बनाया, इस देश में और दुनिया भर में किसान की आवाज उठाने का काम किया। आपके पूर्वजों ने, आपके लोगों ने, आपके दबाब दादाओं ने चौधरी देवीलाल को नेता बनाया। 77 और 89 में लोग, पूरा हिंदुस्तान का लोग ये देख रहे थे कि इस देश में चौधरी चरण सिंह और मिलकर क्या करेंगे 77 में।
नवासी में चौधरी देवीलाल की तरफ पूरे देश का किसान ये देख रहा था कि चौधरी देवीलाल क्या गुल खिलाएंगे। 10 सीट वाला राज्य इस देश में प्रधानमंत्री तय करता था। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना एमपी एमएलए बना लो, अपना नेता मत बनाओ। आज क्या स्थिति है? राज्यपाल साहब ने आवाज उठाई, हम सबको, सब जातियों को साथ लेके खड़ा होना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आवाज को उठा रहे, हमको सबको मिलकर उस बात को, आवाज को खड़ा करना चाहिए। अबे चौटाला जी जिस बात को उठा रहे, अपनी विधानसभा त्याग दी। और मैं तो दुर्भाग्य मानता हूं कि एक तरफा वोट होनी चाहिए थी। शराब में 58,000 वोट ले गया शराब और पैसे से, और उसमें क्या जाट नहीं बिका? राजनीति से ऊपर उठ के कभी कभी दूसरे दलों के राजनीतिक लोगों को भी दूसरे दल के राजनीतिक लोग मजबूत करने पड़े। आज जो चौटाला जी के साथ जाती हुई, क्या उस जाती को कराने वाले लोग हमारे अपने नहीं थे? क्योंकि जो पार्टियां, लोग ये सोचती है देश में दो ही नेता ऐसे चिन्हित हुए जिनके ऊपर नाजायज दबाव नहीं पड़ सकता था, उन दोनों नेताओं को जेल के अंदर डाला गया, चाहे चौटाला जी थे चाहे लालू प्रसाद यादव थे। इसलिए हमने नेता भी जिंदा रखने पड़ेंगे और हमने सामाजिक राजनीति, सामाजिक लोगों को भी जिंदा रखना पड़ेगा। मैं लगातार हरियाणा के बहुत से लोग बदनाम करते हैं, 2016 में मैं कहीं नहीं था, 2017 का आंदोलन चला, एक विचारधारा निकाली कि इस गौशाला और धर्मशालाओं से हटके शिक्षण संस्थानों पर लग जाओ। राजस्थान के लोग कर रहे, जाट हॉस्टल बना रहे, जाट स्कूल खोल रहे, लेकिन जो लोग जिन्होंने इस देश को शिक्षा की दिशा दी थी हरियाणा की, वहां गौशाला खोलने का कंपटीशन है। इसलिए चौधरी छोटूराम धाम का 26 नवंबर 2017 को तमाम महानुभाव थे, भाई अभय चौटाला ने खुल के दान की घोषणा की, हमने 50 मांगे, कहा एक दूंगा। बरार साहब भी थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी थे, आज वो धाम बनने लग रहा। और मैं निरंतर ये दोनों भाई वहां भी विजिट करते हैं और हर काम में सहयोग करते हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, किसी मंच पर नहीं जाना चाहते, अपना बैनर लेकर किसी चीज का विरोध कर दो। यहां 500 संगठन बैठे इस संगठन में, इसके अंदर 500 संगठन बैठे। एक ऐतिहासिक कार्य परसों हुआ, उसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री जी और मैं भी थे दोनों। ऐतिहासिक कार्य हुआ दिल्ली विधानसभा में, महाराजा सूरजमल के चित्र का अनावरण हुआ परसों ही, और राजा महेंद्र प्रताप की बात मनवा ली, और 2016 में राजा नाहर सिंह का वहां लग चुका। और यह प्रयास मात्र 2-3 आदमी का है, ये दोनों भाई भी जानते हैं, हरपाल राणा और नरेश चौधरी। हमने अलग अलग काम करने पड़ेंगे, लेकिन सहयोग सबको करना पड़ेगा। हम लोग क्या करें, एक सामाजिक संगठन बना, आज पता नहीं 50 लोग विचार घूम रहे होंगे कि कलवानी और पलसानी से बड़ा कार्यक्रम कैसा करें। अरे भाई, इस कार्यक्रम को करने में तो इनके पिछले 16 साल की मेहनत है, आप इसी में ज्वाइन कर लो, इसी में सहयोग कर दो, पैसा नहीं दे सकते साथ आ जाओ इनके, इनसे काम मांग लो। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, राजनीतिक लोगों पे, मैं बहुत जगह बैठता हूं, यहां 50-50 साल राजनीति करने वाले लोग बैठे, मलिक साहब का 50 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर किसी भाई को राजनीति करनी, चौधरी वीरेंद्र सिंह बैठे हैं, अभय चौटाला जी बैठे हैं और तमाम राजनीतिक लोग बैठे हैं, बाबूलाल जी बैठे, हम इनसे सीख ले, इनसे ट्रेनिंग ले ले, इनके शीश से बन जा, हम कहेंगे नहीं वो तो खराब है और न्यारी लाइन खींचेंगे। हमने राजनीति करने के लिए उस सिस्टम में जाना पड़ेगा। योगानंद शास्त्री जी बैठे, ये लोग 40-40, 50-50 साल से
प्रधानमंत्रियों के, मंत्रियों के, पता नहीं कितने बदलाव इन्होंने देखे। जब हम स्कूल में थे तब हम मलिक साहब को 77-78 में, तब ये राजनीतिक नेता थे और चौधरी साहब के बाद नंबर दो पे आते थे उस टाइम पे पार्टी में। लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, बेईमानी में नहीं गए, अवसरवादिता में नहीं गए। ये वो कौम है, हमने अपने नेताओं को, हम तमाम यहां, हमें किसी को भाषण देने की जरूरत नहीं, प्रतिज्ञा लेकर जाने की जरूरत है कि हम अपने नेताओं का सम्मान करें, चाहे वो किसी पार्टी का हो, वो तब वकालत कर पाएगा। हम अपने सामाजिक भाई जो ये यूथ लग रहे, इनका मान सम्मान करें, तब जाके काम चलेगा। मैं बहुत बार कहता हूं अपने साथियों को, भाई कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन लो, दुनिया भर की वैकेंसी खाली सामाजिक काम करने के लिए, मेरी भी जगह खाली, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, देश में घूमना पड़ेगा। सुरेंद्र कुमार जी जम्मू से आए, गया ना नौसारा, गया बॉर्डर पे, मेरे अलावा साहब रात को सोए बॉर्डर पे, जहां फेंसिंग खत्म हो जाती है उसके बाद। ये जाना पड़ेगा लोगों के बीच, और मैं मेरे से 10 गुनी एनर्जी इन दोनों भाइयों में हूं, और ये वादा करके जाता हूं कि जिस काम को भी ये करेंगे, हर काम में सहयोग करूंगा, और आपसे भी इस बात का वादा मांगता हूं कि जिस काम को ये करे, राजनीति में आगे बढ़े, कोई ये ना सोचे ये क्यों बढ़ रही, अरे कोई थारे से पूछ कर टिकट लेना वे, लोग कहेंगे यू काम कर रहा इसे टिकट चाहिए, अरे जो पहले से एमएलए हो तेरे से पूछा, पार्टी ने टिकट दिया उसे, पूछा किसी से। मेरा ये कहना, आप सभी यहां जितने लोग बैठे मेरे से ज्यादा समझदार, मेरे से ज्यादा जिम्मेदार और मेरे से ज्यादा संगठनों का तजर्बा है, चाहे जाट धर्मशालाओं का हो, जाट सभाओं का हो, चाहे किसी चीज का हो। क्षेत्रीय सतह बाहर निकलो, राष्ट्रीय नेतृत्व तैयार करो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो राजनीतिक हो। हमने दोबारा देवीलाल बनाने हैं तो चौधरी चरण सिंह बनाने हैं, तो वो इधर बट्ठे वालों में से ही बनेंगे, इधर वालों को तो 3 पिड्डी लग जाएगी, थारे बस का वो काम नहीं। इधर वालों में से ही देवीलाल निकलेंगे, इधर वालों में से ही चौधरी चरण सिंह निकलेंगे, इधर वालों में से ही छोटू राम निकलेंगे।